नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वर्षों से चली आ रही किसी भी घटना को रस्सी का सांप बनाने की कवायद पुलिस की, यूं तो किसी से अछूता नहीं है। कुछ ऐसी ही घटना बुलंदशहर के थाना क्षेत्र गुलावटी से सामने आई है, जहां पर गांव के थाला के निवासी शिक्षक रामपाल सिंह, जो कि देवानागरी इंटर स्कूल में बतौर लेक्चरल कार्यरत है, अपने घर में डेली रूटीन की तरह 9 दिसंबर को करीब सुबह 10 बजे स्कूल पहुंचे और अपने प्रधानाचार्य से अनुमति लेकर पास ही मेडिकल स्टोर में एक अपने हृदय रोग संबंधी दवाई लेने के लिए बाइक से निकले, जिसके बाद से पीछे से ही बेसुध चले आ रहे कार सवार चालक सिपाही हरीश कुमार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। किंतु पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते घटनास्थल की शुरुआती जांच किए बिना ही कार एक्सीडेंट के अलग ही रूप देते हुए शिक्षक को 2 दिन तक हिरासत में लेकर उसी पर 307 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा ठोक डाला है, जिसके बाद से माध्यमिक शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश त्यागी सहित मंडल स्तर पर शिक्षक के समर्थन में अनेकों प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने एकजुट होकर नगर गुलाठवी के स्थित, आपको बता दें कि देवनागरी इंटर कॉलेज में बड़े स्तर पर शिक्षा पंचायत की है, जिसमें जनपद प्रशासन को घेरते हुए आरक्षी हरीश को लाइन हाजिरी और उनकी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कोतवाली को ज्ञापन देकर 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 6 सूत्री मांग उठाई है। साथ ही कहा है कि यदि 10 दिन के अंदर प्रशासन निष्पक्ष जाँच कर दोषी पर कठोर कार्रवाई नहीं करता है और पीड़ित शिक्षक रामपाल सिंह के खिलाफ संगीन धाराएं में दर्ज मुकदमा को वापस नहीं लेता है, तो माध्यमिक शिक्षा संघ अपने आंदोलन को मंडली एवं प्रदेश स्तर पर भी करने के लिए विवश होगा। मेरा नाम डॉक्टर उमेश त्यागी है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। 9 तारीख को डीएन कॉलेज के प्रवक्ता श्री रामपाल सिंह का यहीं डीएन कॉलेज के सामने एक्सीडेंट किया गया। पहले फिर उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई और फिर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा किया गया। हम लोगों ने उसका प्रतिवाद किया। 9 तारीख को रात भर उन्हें थाने में रखा गया, अमानवीय व्यवहार किया गया। तब हमने ये विवश होकर के पंचायत बनाया और इस पंचायत में बुलंदशहर जनपद के, हापुड़ के और तमाम सब प्रतिनिधि हमारे शामिल थे और गुलावटी क्षेत्र के अधिकांश विद्यालय आज बंद रहे और सबने सशक्त पंचायत में भाग लिया है। अब खबर बलरामपुर में है से है, जहां पर फर्जी शिक्षकों की बाढ़ आई हुई है। बता दें आपको कि बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षक फर्जी मिले हैं। आरोप है कि कई शिक्षकों के दस्तावेज नकली है, जिसके सहारे उन्होंने नियुक्त पत्र मिला है। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा के बाद बलरामपुर जिले में मिले सबसे ज़्यादा फर्जी शिक्षक है। इसको लेकर कई साल पहले 120 शिक्षकों के बेसिक शिक्षा विभाग में कई साल पहले पकड़ा था और 3 किश्तों में कुल 120 शिक्षक पर FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन सालों से जांच अभी तक है जस तस बनी हुई है। विभाग ने इसे लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वही आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा के महानिर्देशक विजय किरण आनंद भी इस मामले को लेकर कई बार पत्र दे चुके हैं, लेकिन कोई बहाना बनाकर बेसिक शिक्षा विभाग इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगेश जुड़ गए हैं, बलरामपुर से हमारे संवाददाता है। योगेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, योगेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से फर्जी शिक्षकों का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ ये मामला है, पहले विस्तार से बताएं। जी देखिए, बलरामपुर जिला एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, ये अति महत्वाकांक्षी जिला है। यहाँ पर जब इसे मोदी सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी जिला घोषित किया गया, तो शिक्षकों की लगातार नियुक्तियां हुई बेसिक शिक्षा विभाग के आयोग द्वारा। अब कुछ शिक्षक ऐसे इसमें पाए गए हैं जांच के उपरांत, जिसमें जो है 2016 से जांच शुरू की गई और 2017 में जो है पहली बार FIR दर्ज करवाई गई, फिर 2018 में दर्ज करवाई गई, 2019 में FIR दर्ज करवाई गई। अब कुल मिला के इस दौरान 120 शिक्षकों पर जो है जो फर्जी मिले थे उन पर FIR दर्ज करवाई गई।
इस मामले में नया मोड़ तब आया, अभी हाल ही में 14 दिसंबर को ही स्कूली शिक्षा के महानिदेशक विजय चरण आनंद ने एक पत्र जारी किया है 75 जिलों के बीएसएस को और जिला अधिकारी को, जिसमें ये कहा गया है कि बीएसए और जिला अधिकारी मिलकर ये सुनिश्चित करें कि जो फर्जी शिक्षक मिले थे जिन्होंने दस्तावेजों में कूट रचना करके या किसी तरह से फर्जी तरीके से नौकरी को हासिल किया था और वो पढ़ा रहे थे बच्चों को, उन्हें कैसे नौकरी पर रखा गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई, अगर तो एफआईआर दर्ज करवाई गई तो उस पर क्या कार्रवाई की गई और विवेचना जो है वो कहाँ तक पहुंची, इसके साथ ही उनसे वसूली की क्या प्रक्रिया है और क्या उन्हें दंडित करने का काम किया गया कि नहीं किया गया। तो इस पर जो हमने बीएसए कल्पना देवी से बात की तो उन्होंने हमें बताया है कि पुलिस के स्तर से मामला लंबित है, बेसिक शिक्षा विभाग ने उनका सेवा समाप्त कर दिया था और वो लगातार सेवा समाप्त पर ही चल रहे हैं, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग विवेचना नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही मैं एक बात कहूंगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में कोई कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो बाबुओं के सहारे चलता है और बाबू जो है लगातार अधिकारियों पर हावी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो पैदा ही होता है कि 3-4 साल पहले अगर कोई मुकदमा पंजीकृत करवाया गया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि बीएसए लगातार जो है बीएसए ने खुद मुकदमा पंजीकृत करवाया, बीएसए खुद लगातार उस मुकदमे की पैरवी करते रहे होंगे, लेकिन जो है कार्रवाई का ना होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। जी चलिए योगेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब खबर बलरामपुर से है जहां पर अवैध खनन पर डीआईजी सख्त नजर आ रही है और इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बलरामपुर में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल अवैध खनन और लकड़ी कटान पर सख्ती दिखाते हुए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर पर कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रभावी पैरवी और गवाहों की सुनिश्चितता के जरिए सजा दिलाए माफियाओं पर लंबित मुकदमों का देखरेख का काम कम से कम एसपी या एएसपी करे, साथ ही विवेचक को समय से समय पर बुलाकर जानकारी ले, ये साफ तौर पर कहना है डीआईजी का। और बलरामपुर का आपको मामला बता रहे थे जहां पर लगातार डीआईजी कार्रवाई करते हुए नजर आई है। और एक और खबर आपको बता दें, बलरामपुर से है जहां पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रही प्रभावी कार्रवाई में बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के जरवा पुलिस ने रंगदारी मामले में एक आरोपी को, आपको बता दें कि सिद्धार्थ नगर जिले के बांसी से गिरफ्तार किया है। मामला जिले के थाना कोतवाली जरवा से जुड़ा हुआ है और साथ ही बता दें कि यहाँ से बलरामपुर बाजार स्थित पॉली क्लिनिकल के संचालक से रंगदारी के मामले में पुलिस ने सिद्धार्थ नगर जिले के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है, इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसएसपी एएसपी नम्रता श्रीवास्तव ने बताया है कि तुलसीपुर के निवासी रोहित कौसांधन कसौंधन बलरामपुर बाजार में पॉली क्लिनिक संचालित करते थे। उन्होंने 8 अक्टूबर को पुलिस के तहसील दी थी जिसमें कहा था कि सिद्धार्थनगर के इटवा थाने के कपिल लोहाटी गांव में ब्रिज भूमि धमकाकर रुपए की मांग करते हैं, रुपए ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि सिविलेंस सेल की मदद से आरोपित की लोकेशन पर पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और चौकी प्रभारी
कमवीर सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम उसके किराए के मकान बांसी सिद्धार्थनगर पहुंच गई है। आरोपित के पुलिस टीम ने पकड़ लिया है। थाना कोतवाली जरवा में माह अक्टूबर में एक 386 धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वादी मुकदमा एक पॉली क्लिनिक चलाते हैं और इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ब्रजभूषण उर्फ लवकुश इनके द्वारा इनसे रंगदारी की मांग की गई और इनको डराया धमकाया गया। उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और कल 13 दिसंबर को उक्त अभियुक्त ब्रजभूषण पुत्र लवकुश जो कि थाना इटवा सिद्धार्थनगर का रहने वाला है उसको जरवा टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ साक्ष्य संकलन करते हुए इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बलरामपुर में जिला महिला चिकित्सालय में नवजात की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि नवजात के पैदा होने के पर हॉस्पिटल स्टाफ के रुपए मांगे थे और रुपए न देने पर स्टाफ नर्स ने इलाज नहीं किया था। इलाज के अभाव में अब नवजात के दम तोड़ दिया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने कोतवाली नगर में मामले की तहरीर दी है। वहीं DM महेंद्र कुमार ने भी मामले की संज्ञान लिया है और साथ ही 24 घंटे के भीतर ही घटना की रिपोर्ट मांगी है। और जब यहाँ अस्पताल में पहुँचे तो एडमिट करवाए। एडमिट करवाने के बाद बच्चा जो है पैदा हुआ 1 बजे, 8 बजे यहाँ पर लेकर आए, 1 बजे बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद में हमसे 2100 रुपया मांग रही थी। बच्चा जब पैदा हुआ तो 2100 रुपया मांग रही थी, तो हमने उनको दे रहे थे पहले 500 रुपये, तब नहीं माने। उसके बाद 200 रुपया देने लगे, फिर नहीं माने, 100 रुपया फिर देने लगे, 800 रुपया करके उनको हम देने लगे। कि इसको लेकर गिर गया, फिर पैसा वैसा मांगे लगे, 800 रुपया रहा तो देते रहे हम करते टाइम। पैसा क्या मांगा, कोई ना बताओ? रेणु सिंह हो भैया, हम पहचाने नहीं, नाम आते नहीं, लेकिन हम बता सके थे। 800 दे फिर नहीं लेन, झटकार के चली गए अंदर, कहीं हमें नींद लग रहा है, यहाँ से चली जाओ, बुढ़ी भाग जाओ यहाँ से। तो हम कहा बहनी ले लो बच्चा, सबके गरीबी अमीरी सबके देखा जाते है, इस वक्त जोन है हमारे पास जोन ले लो, और हमें खुशी दिन दिखाए नहीं तो हम सवेरे जब पैसा छोड़ा नहीं है तो हम फिर दे दे बच्चों का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगेंद्र विश्वनाथ संवाददाता बलरामपुर से जुड़ गए हैं। योगेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से बलरामपुर से यह मामला सामने आया है जहां जिला महिला चिकित्सालय में नवजात की मौत हो गई है, इस पर लगातार परिजनों का ये आरोप है कि वहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ के स्टाफ है वे पैसे मांग रहे थे, वे तो इस पर क्या कुछ अपडेट है आप? जी देखिए, ये जिला महिला चिकित्सालय है बलरामपुर में जो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और यहाँ पर NICU वगैरह तमाम वार्ड्स हैं जिसके जरिए जो है बच्चों, नवजात बच्चों का इलाज किया जाता है, महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का इलाज किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि ये घटना कल शाम और आज सुबह तक की है। इस बीच जो है एक व्यक्ति रात 8 बजे अपनी पत्नी को लेके आता है और वो अस्पताल में दाखिल करवाता है, जिसके बाद रात 1 बजे उसको बच्चा पैदा होता है। ये जो है जब अपनी पत्नी को बेलवा सुल्तान रोड का रहने वाला ये व्यक्ति भर्ती करवाता है तब शायद चीजें सही होती है और सकुशल बच्चा पैदा हो जाता है। इसके बाद इसके बच्चे की सुबह तबीयत खराब होने लगती है, तो जो है जब ये जाता है तो जो नर्स होती है, जो स्टाफ नर्स होती है, वो उससे पैसे की मांग करती है और जो कहती है कि अगर मैंने जो आपसे रात में पैसा मांगा था लगभग 2100 रुपये बताया जा रहा है जो मांगा था नर्स ने, वो नहीं देंगे तो मैं इलाज नहीं करूंगी या जो है मैं उसे ट्रीटअप नहीं कर पाऊंगी। इस दौरान वो तमाम अधिकारियों और तमाम लोगों के पास दौड़ता रहता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अंततः उसका बच्चा जो है मर जाता है। फिर ये परिजन जो है रेणु सिंह और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ वहां पर जमकर हंगामा करते हैं। फिर इसके बाद कोतवाली नगर की पुलिस आती है और इन्हें समझा बुझाकर जो है जिला अधिकारी कार्यालय ले जाती है। जिला अधिकारी कार्यालय के सामने और जिला अधिकारी के सामने ये जो है अपने नवजात बच्चा जिसकी मौत हो चुकी होती है वो उनको लेकर प्रेजेंट होते हैं। जिला अधिकारी ने इन्हें भरोसा दिलाया कि 24 घंटे के भीतर जो है रिपोर्ट मांगी गई है और जो है जो भी
उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये घटनाएं आम हो चुकी हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बिना पैसा लिए कोई इलाज नहीं किया जाता है। कहने को तो एक रुपए वाला मुफ्त इलाज का सिस्टम है, लेकिन जो है यहाँ पर एक रुपए नहीं, 1,000 रुपए भी दिए जाए तब भी कम पड़ता है यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों को, और इलाज नहीं मिल पाता है। इसलिए गरीब जो लोग हैं वो लगातार जो है इस तरह की उपेक्षा का शिकार होते हैं और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। खैर, जिला अधिकारी ने तो इसमें आदेश किया ही है कि 24 घंटे के भीतर जांच करवाकर जो है कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्हें तहरीर मिलने के बाद उन्होंने इस मामले पर जो है जांच करवाकर FIR दर्ज करने की बात कही है, और आगे जो भी FIR में विवेचना के दौरान बातें सामने आएंगी उसके आधार पर जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल योगेंद्र, हम कहते तो हैं जो सरकारी अस्पताल में कम से कम पैसे में या बिना पैसे में इलाज किया जाता है, लेकिन ये जो बलरामपुर का ये मामला सामने आया है ये कहीं ना कहीं डॉक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन और हर एक सरकार पर भी सवाल खड़े करता हुआ नजर आता है। तमाम जानकारी देने के लिए योगेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभल में दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि किसानों की टॉर्च मांगने का विरोध करना भारी पड़ गया। वही दबंगों ने किसान परिवार पर जमकर लाठी बरसाई है, और साथ ही आपको बता दें कि दबंगों पर पथराव का भी आरोप है। मारपीट में महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, और साथ ही मामला आपको बता दें कि केला देवी थाना इलाके के सोधन मोहनपुर गांव का बताया जा रहा है। इसी खबर पर जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से ये संभल से दबंगों की दबंगई का जो मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है विस्तार से बताएं। जी आपको बता दूं, केला देवी थाना क्षेत्र के सौदन मोहम्मदपुर का मामला है ये। यहाँ रात भी झगड़ा हुआ था, रात झगड़ा होने के साथ में उसमें रात समझौता हो गया था, उसका सुबह से झगड़ा होता है, उसमें लाठियां भी चलती हैं। टॉर्च को लेकर मामला हुआ था, खेत में युवक जा रहा था तो उससे टॉर्च मांगी थी, परिवार के लोग हैं ये भी जिनसे मारपीट हुई है, और इसमें आधे लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला संयुक्त लाया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। उसमें से जो लोग गंभीर चोटी ले रहे हैं उन्हें रेफर किया गया हाई सेक्टर और उन्हें लेके जाया जा रहा है। प्रदीप, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से ये मामला सामने आया है संभल का, इस पर पीड़ित परिवार को क्या क्या कहना है और इस पर पुलिस और क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी मैं आपको बता दूं, पुलिस से साफ कहना है कि तहरीर आती है तो हम उसका मुकदमा कायम करेंगे, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना यही है कि रात भी हमें शिकायत कही है, अगर रात कार्रवाई हो गई होती तो आज शायद सुबह इतने बड़े मामला अंजाम न दिया होता। लेकिन पीड़ित पक्ष जो है लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन रात पुलिस ने टाल दिया मामले को, एसपी ने लिया उसको। लेकिन सुबह झगड़ा होता है, आज लोग महिला सहित आधे लोग घायल होती है, उन्हें संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन उसमें कई की हालत गंभीर है, जिन्हें हाई सेंटर रेफर किया गया। लेकिन लगातार इस तरह की घटना हो रही है, पुलिस का लचीलापन नहीं रहेंगे इसको कि अभी कुछ कार्रवाई अमल में लंबी कार्रवाई नहीं ली जाती है। अगर कड़े कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए तो शायद हो सकता है ऐसी बात आता है अंजाम ना दिया जाए। प्रदीप, जिस तरीके से किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता है और उस पर इस तरीके से दबंगों द्वारा दबंगई दिखाने का जो ये मामला सामने आया है, क्या लगता है पुरानी रंजिश का भी ये मामला बताया जा सकता है? जी मैं आपको बता दूं, ये पारिवारिक परिवार है, पूरा ही परिवार है और परिवार से झगड़ा हुआ है। परिवार में अलग अलग रहते हैं, कहीं परिवार एक ही है, कहीं से टॉर्च को लेकर झगड़ा हुआ है। अलावा कल शाम इससे टॉर्च मांगी जाती है लड़के से, लेकिन टॉर्च देने से इनकार किया जाता है तो उस जमे मारपीट हो जाती है। खेत पर ही खेत पर ही मारपीट होती है, उसकी सूचना पुलिस को दे दी जाती है। रात ही पुलिस सूचना दी रही थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको हल्के में लिया और सब नतीजा निकला कि इसको दिन निकल गई, दोबारा दौड़ पक्ष आमने सामने आ गए और फिर मारपीट होती है। उसके बाद मारपीट में घायल रहते हैं लोग, आधे लोग घायल रहते हैं, दूसरे पक्ष के भी 5 लोग घायल बनाए जा रहे हैं। दोनों के जी 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 प्रदीप, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
संभल में अतिक्रमणकारियों को एसडीएम विनय मिश्रा ने चेतावनी दी है और देते हुए कहा है कि अगर सुबह तक अतिक्रमण नहीं हटा तो नगर पालिका परिषद की टीम कार्रवाई करेगी। ये बता दें आपको कि ये मामला चक्की के पाट नाले पर हुए अतिक्रमण का बताया जा रहा है, जहां पर नाले पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होना है। एसडीएम के साथ पालिका ईओ और साथ ही कोतवाली पुलिस मौजूद रही है। वहीं संभल में मौजूद मुख्य बाजार में एसडीएम की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायत मिल रही थी कि जो चक्की का पाट यहाँ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, उसके पास कुछ लोगों ने नाले को पाट के दुकान का निर्माण कर लिया है। तो पूर्व में दिए गए निर्देशों क्रम में दुकानों का कुछ हिस्सा तो हटाया गया था, लेकिन शटर नहीं हटाया गया था। तो शटर को आज ईओ साहब की टीम के द्वारा हटवाया गया है। और उसी सिलसिले में जब चौराहे के आसपास वहाँ पे दो सार्वजनिक टॉयलेट का निर्माण होना है, तो उसके लिए जगह की तलाश जारी थी। तो उसी क्रम में देखा गया कि कोतवाली के सामने ट्रांसफार्मर वाली जगह के आसपास लोगों ने दुकानों को बहुत, जितनी बड़ी दुकान है उससे डेढ़ गुना आगे बढ़ा के उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। तो उनको सुबह तक के लिए निर्देशित किया गया है कि कल सुबह तक अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत महावीरगंज में रहने वाले एक व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद से मृतक व्यापारियों के परिजनों में दोस्त पर हत्या करने की आशंका जताई गई है। घटना के बाद से पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या मामला, किस तरह घटना हुई थी? ये जो घटना हुई है इसमें पंकज वार्ष्णेय की जो मृत्यु हुई है, समय पोस्टमार्टम हाउस पर खड़े हुए हैं। पंकज वार्ष्णेय, स्वर्गीय पंकज वार्ष्णेय, जो आयु लगभग 32 वर्ष है, और श्री राकेश कुमार वार्ष्णेय निवासी महावीरगंज, उनके सुपुत्र हैं ये। ऐसा बताया जाता है, इनके पिता ने बताया, इनके भाइयों ने बताया है कि ये चार भाई थे, चार में ये तीसरे नंबर के थे और दो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। यहाँ तो ये घटना हो गई। विषय ये है कि एक इस लड़के के पास में, पंकज जो मृतक है उसके पास एक लड़का आया था बॉम्बे साड़ी सेंटर करके, गली गुल्लू जी का बॉम्बे शूटिंग सेटिंग करके, यतेंद्र अग्रवाल नाम है उसका। उसको बिना बुलावे के उसको किसी ने कार्ड दिया था, मुस्लिम कोई उनका कोई क्लाइंट होगा या जो भी होगा, व्यापारी होगा। मामला किस तरह घटना हुई थी? मैं 9 बजे दुकान पर आया, 9:30 बजे दुकान बढ़ाई मैंने, 9:30 बजे आता है बॉम्बे वालों का लड़का और इसको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाता स्कूटर पे, चल भाई चल पंकज। मैं कह रहा हूँ कहीं जा रहे हो भाई, अभी आते हैं हम। उसके बाद पापा मेरे फ़ोन मिलाते हैं 10:40 पे, तो मेरे साथ नहीं है ये। फिर 10:54 में मेरा फ़ोन आ जाता है, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आता है, वो पंकज का एक्सीडेंट हो गया, बहुत कर फटाफट आया मेडिकल। कितने बजे आया तकरीबन? 10:54 पे सर। फिर 10:40 पे कहता मेरे साथ नहीं है ये। फिर क्या हुआ? और 10:54 पे वहाँ पे मेडिकल जाता हूँ मैं भागता हुआ, जैसे भी अपने स्कूटर से, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। बिना कहीं डॉक्टर ने इसको वरुण डामा ले जाइए आप, रास्ते में वरुण डामा ले गए, इसका एकदम रास्ते में क्या लगता है? श्रावस्ती में जालसाजों में महिला के खाते से 6,21,000 रुपए उड़ाने का मामला ये सामने आया है। महिला ने अपने रिश्तेदारों और बैंक कर्मियों पर आरोप लगाया है। साथ ही महिला का कहना है कि उसकी जमीन बिक्री कर खाते में 15 लाख रुपए जमा किया गया था। पीड़ित की शिकायत पर नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती के मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खेत बचाए क्या, हम जान नहीं पान, ये सारा रुपया अपने नामन कराए लिहन और हम जान कि हमारे खाता में आ, ये अपन लगाए लिहन। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण है कौन आपका? बहन बिटिया के हमारे दामाद है। अच्छा। हाँ, तब ये अपन लगाए लिहन, तब जब हम कहे कि चलो हम रुपया लाए, हमारे खर्च हमारे, तब ये कहाँ चुका करे जब हम रुपया ले, अब सारा रुपया हमारा निकाल लिए। हाँ, सारा रुपया हमारे निकाले, जब चले ला गया तब पासबुक मांगे, तब पासबुक नहीं दी, कहीं तू का करे पासबुक, हमारे पासबुक धरिया नहीं दी। इन्हों को मारा भी है, इनका पैर भी टूट गया। अच्छा, कितना पैसा निकाल गया? कैसे पता चला आपको कि आपके खाते से पैसा निकाल गया है? जब जब हम गए घर
तब हम आई नए पासबुक आ दिन तब हेरे ला गया तब अब यहर वहर दौड़े ला गया तब जब दौड़े ला गया तब जान पान के हमारे रुपया निकाल लेन है। बैंक मैनेजर के पास आप गए थे? बैंक मैनेजर के पास, बैंक मैनेजर ने क्या कहा? तब वही कहें कि वो तब रुपया निकाल लेगा। जब बांदा में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला की हत्या घर में सोते समय की गई है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आरोपी पुलिस के पकड़ से दूर बताया जा रहा है और मामला ये बताते आपको कि बेबरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव का ये मामला है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।